हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीमा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक है। इस रेसिपी को अभी तक आपने ना तो देखा होगा, ना बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये स्नैक्स रेसिपी है, जो कि आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। इस रेसिपी में आपको मिल जाएंगे बहुत ही सारे फ्लेवर, खट्टा, मीठा, तीखा, यहाँ पर आपको बहुत ही सारे चटपटे फ्लेवर इस रेसिपी में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस यूनिक सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। आप जब भी इस रेसिपी को बनाएंगे, इस रेसिपी से जुड़े हुए सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे। आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको पसंद आती है, रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इस यूनिक सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बॉयल आलू, जिसका छिलका हटाकर मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से भी मैश कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैशर की हेल्प से इसे इक्वली मैश कर लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया, साथ ही लिए 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 2 बारीक कटे हुए प्याज। इन सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर इस आलू में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा भी आप कोई और वेजिटेबल लेना चाहते हैं, जैसे कि गाजर या पत्ता गोभी, तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसे बिल्कुल बारीक कट करके डालना होगा। यहाँ पर एक चम्मच मैंने डाल दिया है ऑरिगेनो और साथ ही डाल दिया है मैंने यहाँ पर एक चम्मच चाट मसाला। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। तीखा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों को एक बार मैं यहाँ पर इसमें आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब यहाँ पर हम डालेंगे टमाटो केचप। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच टमाटो केचप और इसमें डालेंगे हम यहाँ पर मेयोनीज। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1 चम्मच इसमें मेयोनीज डाल दिया है। इन चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं एक तरफ। अब मैंने यहाँ पर ली है ये खारी, ये आपको मार्केट में बनी हुई इजीली मिल जाएंगी कहीं भी बेकरी की शॉप पर। तो ये है खारी, जिससे हम आज हमारा बहुत ही टेस्टी सा, चटपटा सा स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने करीबन ली है 4 से 5 खारी, इसे मैंने रख दिया है यहाँ प्लेट में। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे यहाँ पर टमाटो केचप। तो आप देख सकते हैं रफली मैंने यहाँ पर सारी ही खारी के ऊपर टमाटो केचप डाल लिया है। और अब मैंने डाली है यहाँ पर इसमें हरे धनिए की चटनी। ये सिंपली वही चटनी है जो हम हमारे घर में बनाते हैं पुदीने से या धनिए से, तो ये चटनी मैंने डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर डालेंगे अच्छे से जो हमने मसाला अभी बना करके तैयार रखा था आलू का, उस मसाले को यहाँ पर मैंने सभी खारी के ऊपर अच्छे से लंबा सा स्प्रेड कर दिया है, ताकि खारी का जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा ही मसाले से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा ही इस पर मसाला अच्छे से कवर अप कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे यहाँ पर फ्रेश दही, तो उसे भी मैंने यहाँ पर स्पून की हेल्प से अच्छे से डाल दिया है। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, फ्रेश ही दही का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर दही अच्छे से डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। तो ये मसाला जो हमने लगाया था आलू का, उसके ऊपर मैंने यहाँ प्याज डाल दिए हैं। और अब इस प्याज के ऊपर डाल दिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बिल्कुल बारीक चॉप करके डालें, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी आपको बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आए। ऊपर से मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा चाट मसाला। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हों तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका भी फ्लेवर आएगा। तो धनिया डालने के बाद में मैंने एक बार दोबारा से यहाँ पर हल्का सा नमक स्प्रिट किया है, ताकि जो दही हमने डाला था उसमें फीकापन ना लगे। और ऊपर से डाल दी है मैंने बिल्कुल बारीक नमकीन। और अब यहाँ पर एक बार और हम लगा देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, ताकि ऊपर से डाली हुई जो भी मसाले हैं, जो नमकीन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बहुत ही जल्दी बनने वाला इंस्टेंट स्नैक्स तैयार है, जो कि बहुत ही चटपटा लगने वाला है। इसमें तीखा, मीठा, खट्टा सारे ही फ्लेवर आपको आएंगे और बहुत ही ये डिलीशियस लगने वाला है। आप इसे एज ए स्नैक्स कभी भी बना सकते हैं, चाहें तो आप इसे टी टाइम पर बना सकते हैं,
बहुत ही जल्दी बन जाता है, साथ ही ये बच्चों को या फिर गेस्ट आने पर आप जब इसे बनाएं तो उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक बार आप अपनी किचन में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइएगा, और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो आपको वहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्टेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ मिल जाएगी, जिसे आप कभी भी बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी आपको पसंद आई, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आपके काम आ पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी रेसिपीज से जुड़ी सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मैं अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं वहाँ फॉलो करना, तो आपको उन सबके लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।